पीछे जाना पीछे जाओ पीछे जाओ ओके ओके नो प्रॉब्लम ये हमारा गाना का पोज है दिल सर फिर रहा अभी करेंगे एंड टू स्टार्ट विथ हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लाइक रेड ब्लू कोरल येलो ब्लैक एंड व्हाइट इट्स द मोस्ट कलर एक्यूरेट फॉर Need some energy from you guys. Hello, come on, let's go. तू कर किसकी है पता नहीं मगर. के लिए कम हो रही है अभी ग्रीनरी तो सब लोग मिलके ग्रीन बढ़ाएं बच्चों को भी सहायता करें लड़कियों को जो हमारी नन्ही कली हैं उसको सहायता करें और दुनिया की सब लड़कियों को पढ़ाना लिखना होना चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग उसमें सहायता करें थैंक यू जो मेरा पोता है और जो ये लोग कर रहे हैं बहुत सालों से इनको मैं देख रही हूँ और उतना ही अच्छा अभी तक कर रहे हैं ये जो स्टोर है ये मेरी लड़की पोती जानाई के वजह से हुआ है ये चाहती थी कि गरीब लड़कियों को जो पढ़ाई हो सके और इसलिए वो इसमें से हर साल पैसा भी देती हैं और ये स्टोर इस तरह बना हुआ है कि मदद करें हम लोगों की और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे जो बैंड ऑफ बॉयज़ हैं ये ऐसे ही शो करते रहें और मुझे बहुत अच्छा लगा इनको आज देख के बहुत दिनों बाद मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा This is your fourth launch at the store, yeah, I guess? Fourth yeah, fourth launch. Tell us your first. So, मुझे लगता है कि ये जो मैं कर रही हूँ मैं अपने आप को नहीं बोलूँगी लेकिन ये नन्ही कली जो लड़कियाँ हैं मेरे जैसे लड़कियाँ मुझे तो सब कुछ मिलता है गॉड गॉड ग्रेस लेकिन उनको नहीं मिलता है तो मैं कैसे मदद कर सकती हूँ उनको तो इसलिए मैंने ये दुकान खोल दिया और और मेरी दादी ने मुझे बहुत मदद किया इसके लिए सो थैंक यू और बैंड ऑफ बॉयज रॉक एवरीवन गो लिसन टू देयर सॉन्ग राइट नाउ गो ऑन यूट्यूब सॉन्ग विद यू आल्सो बाय द वे किसका ट्री प्लांटेशन का नहीं वो मेरा था जी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में हर आदमी पेड़ लगाए और ग्रीनरी ज्यादा बढ़ाए ताकि बारिश आए हर और इतनी गर्मी नहीं हो हर देश में बहुत संभालते हैं इसको कि ग्रीनरी हो तो हम लोग भी चाहते हैं कि ग्रीनरी हो हमारा भारत भी महान है ना करेक्ट यस मैम आपने काफी दिनों बाद इसमें अपनी आवाज आई है आपकी लोग दर्शक कितने तड़पते हैं आपके लिए जी हाँ तड़पते हैं लेकिन जो मैं गाना चाहती हूँ वही गाती हूँ अब सब गाने नहीं गाती हूँ और मैं चूज करके गाती हूँ तो इसलिए मैं इस बार क्या आपको मतलब आकर्षित किया इस गाने की तरफ जो आप जुड़ी बैंड ऑफ बॉयज और इससे बैंड ऑफ बॉयज से तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ क्योंकि पहला ही जो शो था फिल्म सेंटर में उसमें मैं गई थी और उस वक़्त से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ लेकिन आप जानते हैं वक्त वक्त होता है कुछ होता है लेकिन आज उनको जब देखा है मैंने तो मुझे उतना ही अच्छा लगा है जितना मैंने उनको बहुत साल पहले देखा था मैं आज के यंग टैलेंट के बारे में क्या कहना है आपका सिंगिंग में देखा जाए तो फिर कितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है यंग टैलेंट तो बहुत आ रहे हैं लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिल रहा है और उतने गाने भी नहीं अच्छे बन रहे हैं कि
नए टैलेंट को कुछ मौका मिले। तो मुझे लगता है कि वो वक्त नहीं आएगा जो 70s, 60s, 50s का था, वो वक्त नहीं आएगा। वो म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं होंगे, वो सिंगर भी नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बस जो है अभी तो वक्त के साथ ठीक है। फिर भी कौन सा जो आपको संगीत अभी का आपको ठीक लगता है, जो आप सुनना पसंद करेंगे, जिनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे आप? बैंड ऑफ बॉयज। मैम एक चीज़, आज दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स भी हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? वो मंगेशकर का अवार्ड है, ये भोसले का, भोसले साहब का। कुछ कहना चाहें? नहीं कुछ नहीं, आज मेरे भाई का जन्मदिन है और वो जन्मदिन 81 साल का वो हुआ है और हम लोग 80 के ऊपर ही हैं सब, है आपको मालूम ही है। तो हम लोग बस एक दूसरे की दुआ मांगते हैं। When Asha ji says she felt happy singing a song with us, हमारे लिए स्टार्ट करते हैं, गाना उनको अच्छा लगा और वो बहुत सिलेक्टिव है, आप सबको पता है लोग तरस जाते हैं इनकी आवाज़ सुनने के लिए। इफ शी एग्रीड तो हमारे लिए उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लाइफ में हो ही नहीं सकता। हमारे को लगता है हम 16 साल पहले नहीं, वी आर अराइव्ड टुडे बिकॉज हर वॉइस इज देयर, हर लेगेसी इज देयर विद अस इन आवर सॉन्ग। एनी सॉन्ग आप अभी इस समय डेडिकेट करेंगे आशा जी के लिए? दिल सरफिरा मतलब हेलो। अच्छा दिवाली की गुड बेस्ट विशेष अगर फैंस को मिल जाए? ये दिवाली आप सबको मुबारक हो और बहुत खुशी से आप दिवाली मनाएं। योर थॉट्स चिंटू जी? ओके सो दिल सरफिरा हैज कम आफ्टर 16 इयर्स ऑफ अ बैंड ऑफ बॉयज एंड आई हैज ऑलवेज सेड के जब आप लोग तैयार होंगे, जब आपकी आवाज़ तैयार है तब मैं गाऊंगी आपके साथ। एंड देन शी हर्ड द सॉन्ग, शी हर्ड आवर वॉइसेस एंड सेड अच्छा अभी बड़े हो गए हैं, अभी अच्छा गाते हैं, चल साथ में गाते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। अब भी गाऊंगी। मालूम पड़ा कि मैम गा रही है आप लोग के साथ, तो क्या माइंड में क्या चल रहा था, कितने दो चीज़ें बताता हूँ मैं। एक तो हमारे डायरेक्टर साहब ये हैं, बहुत ही शाय किस्म के हैं लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी बनाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं डायरेक्टर। तो ये जो है इनका, इनको जब मैंने पता है तो ये थोड़े ना एकदम साइलेंट हो गए 2 घंटे के लिए बिकॉज मतलब इनके मुँह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और मैं उससे पहले 2 रात पहले सोया नहीं था बिकॉज चिंटू ने हमें सरप्राइज दिया था। ये उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें एक टीज़र भेजा, फिर बोला वेट फॉर इट, वेट फॉर अ सरप्राइज, अ वंडरफुल सरप्राइज। जब इनकी आवाज़ सुनी तो फिर हमने बोला कि हम हिस्ट्री बुक्स में आ गए। हमारे लिए इससे अच्छी उपलब्धि नहीं हो सकती और हमारे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता हमारे गाने के लिए। और ये द फैक्ट दैट शी इज अग्रीड टू सिंग, मतलब हम तृप्त हैं। थैंक यू सो मच।